दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया जिसमें इंसर्ट ई पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस बदल दिया गया है। सो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना हूँ कैसे आप 10 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से ई पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए इसी तरह के मोर और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ऊपर में आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्च आइकन में आपको टाइप करना है ए फिलिंग टाइप करके आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला जो लिंक मिलेगा आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। जो नीचे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम आपको जो ये लिंक मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यू वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सी मोर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको सी मोर पर क्लिक करना है। सी मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंसर्ट ई पेन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको इंसर्ट ई पेन पर क्लिक करना है। इंसर्ट ई पेन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए ई पेन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए इजी और पेपरलेस ये पेन कार्ड रहेगा, उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपका पेन कार्ड बन जाएगा और इसकी जो वैल्यू है सेम फिजिकल पेन कार्ड की तरह ही होंगी। और चौथा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है तभी आप ई पेन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जेट न्यू ई पेन और दूसरा जो है आपको चेक स्टेटस और डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, जेट सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको जेट न्यू ई पेन आपको इस तरीके से इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखिए जेट न्यू ई पेन आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद ये यहाँ पर बॉक्स है जो नज़र आ रहा है आपको इस पर टिक करना है इस तरीके से और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर टाइप करके इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड से ले लेंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यूवर पर्सनल डेटा बेस ऑन आधार EKYC। यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो भी आपको नज़र आ रही होंगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको ये शो करेगा। उसके बाद अगर आपके आधार कार्ड से आपकी ईमेल आईडी लिंक है तो यहाँ पर ये शो करेंगे, अगर आपकी ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने ईमेल आईडी टाइप करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP टाइप करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते देखिए आपकी ईमेल आईडी वैलिडेट हो चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, आपको उस बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो योर रिक्वेस्ट फॉर ई पेन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपको मैसेज। 10 मिनट के बाद आपको अपना पैन कार्ड बना है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको इसी पेज पर आना है, होम पेज पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सी मोर पर क्लिक करना है। सी मोर पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इंसर्ट ई पेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इंसर्ट ई पेन पर क्लिक करना है। इस बार हमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चेक स्टेटस ई पेन डाउनलोड, आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो आपको देखिए सेकंड वाला ऑप्शन चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, तो आपको यहाँ पर चेक स्टेटस डाउनलोड पेन के नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, OTP आपको टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही देखिए आपका करंट स्टेटस ऑफ यूअर न्यू ई रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है क्या, और यहाँ पर आपको देखिए ये एक घंटे के बाद ट्राई करने के लिए बोल रहा है। एक घंटे के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपका पैन कार्ड बनेगा। तो देखिए दोस्तों OTP डाल के कंटिन्यू करने पर देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, हमारा पैन कार्ड बन के रेडी हो चुका है।
यहाँ पर देखिए व्यू ई पैन पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दोस्तों नज़र आ रहे होंगे। तो हमें डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करना है पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए जैसे हमने डाउनलोड ई पैन पर क्लिक किया, तो देखिए हम पैन कार्ड PDF डाउनलोड करने की परमिशन मांग रहे थे, जिसे हम परमिशन दे देंगे। उसके बाद आप ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, देखिए हम पर आपकी पैन कार्ड की PDF डाउनलोड हो चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा पैन कार्ड बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड नंबर, हमारा नाम, हमारा जेंडर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर और आपका फादर नेम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और जो आपके आधार कार्ड की फ़ोटो है वही आपकी पैन कार्ड पर भी आएंगी। देखिए हमारा जो पैन कार्ड है इसको बनने के लिए पूरा 1 घंटा लगा है। अगर आपका पैन कार्ड 10 मिनट में नहीं बनता है तो आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना होगा, लेकिन आपका पैन कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड करेक्शन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इस पे जो फ़ोटो आधार कार्ड वाला आया है और इसमें सिग्नेचर नहीं है और फादर नेम भी इस पर नहीं है, तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में पैन कार्ड में करेक्शन करेंगे, जिसमें हम अपना फ़ोटो चेंज करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फादर नेम में भी करेक्शन करेंगे, फादर नेम इस पर आया नहीं।